आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी, जो कि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। जैसे कि आप सबको पता है, सारस घायल अवस्था में आरिफ को मिला था और आरिफ ने उसकी सेवा की थी और उसे अपने घर ले गया था। तब से सारस आरिफ के पास ही रहता था और दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। दोनों मीडिया में बहुत छाए हुए थे। फिर आरिफ का सारस, जो कि वन विभाग की टीम पंछी विहार ले गए थे और वहां से सारस भाग निकला था, क्योंकि वो अपने दोस्त के बिना रह नहीं पाता था। इधर आरिफ का भी बुरा हाल था, उसके बिना वह रह नहीं पा रहा था, रो रो के उसका भी बुरा हाल था। और इधर सारस भी आरिफ से मिलने के लिए वहां से भाग गया, जो कि दोनों ही तरफ रहे थे एक दूसरे से मिलने के लिए। तो वहां से दूर भाग निकलने के बाद वह गांव में आ गया था, तो वहां के लोग उसे पकड़ कर खाना खिलाया और उसके बाद आरिफ को बताया। तो अब आरिफ के पास सारस मिल गया है, तो दिल का दिल से रिश्ता रहने से कोई भी बंधन हो या बाधा हो, वो पार करके आ ही जाता है। अब वन विभाग वाले भी आरिफ को सारस दे दिया है और सारस को वो लेकर के अपने घर चला गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। যখন ঘুমাবে তখন